डायनियल इन्फॉर्मेटिव स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज सुबह की शुरुआत एक बहुत ही बड़ी खबर के साथ हो रही है। आप देख रहे हैं डायनियल इन्फॉर्मेटिव स्टूडियो। अगर आपने इस चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हम बात कर रहे हैं हैदराबाद डॉक्टर मर्डर केस की। 27 नवंबर को एक डॉक्टर का रेप किया गया और उसके बाद जो है उसको जिंदा जला दिया गया था। जल्दी पुलिस ने इन चारों ही वैशियों को गिरफ्तार कर लिया था और उसके बाद 14 दिन की रिमांड पर इनको भेज दिया गया। हैदराबाद के बहुचर्चित रेप कांड में पकड़े गए चारों ही को पुलिस ने आज इनकाउंटर कर दिया। ये इनकाउंटर हैदराबाद से 50 किलोमीटर दूर महबूब नगर जिले में हुआ। महबूब नगर जिले के एक गांव में इनका इनकाउंटर किया गया। तेलंगाना पुलिस के SD लॉ एंड ऑर्डर जितेंद्र जी ने बताया कि शुक्रवार रात 3 बजे इनको उसी जगह पर ले जाया गया था। उस जगह पर इनको शिनाख्त के लिए लेके जाया गया था और उस जगह इन चारों आरोपियों ने भागने की कोशिश की, पुलिस पर हमला करने की कोशिश की। उसके बाद पुलिस ने जो है जवाबी कार्रवाई करते हुए चारों अपराधियों का इनकाउंटर कर दिया। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं कि चारों अपराधियों का इनकाउंटर कर दिया और बहुत ही जल्दी उन लोगों को ये सजा मिल गई है और ये देश के लिए आज पूरा देश खुश है। पूरा देश ये दुआएं कर रहा था कि किस तरीके से जो है इन आरोपियों को जो है सज़ा मिले। जो घिनौना कांड इन्होंने किया ये सज़ा मिले, ये आगे के लिए भी लोगों के लिए सीख है। अगर बुरा काम ये करेंगे तो उनको बहुत महंगा पड़ सकता है और ये फैसला बहुत जल्द हुआ है तेलंगाना पुलिस के लिए। पूरे तेलंगाना हैदराबाद में जहां पुलिस ने इनकाउंटर किया है वहां पर अभी भी भीड़ जमी हुई है और आसपास हजारों की संख्या में लोग जमा हैं और बस नारे यही लग रहे हैं कि हैदराबाद पुलिस जिंदाबाद, हैदराबाद पुलिस जिंदाबाद, तेलंगाना पुलिस जिंदाबाद। इसके नारों से वो जो इनकाउंटर वाली जगह है वो शोरों से गूंज रही है। वहीं जब 26 साल की महिला डॉक्टर के पिता को इस खबर के मालूम चला, इस एनकाउंटर के बारे में पता चला, तो उन्होंने हैदराबाद पुलिस का और गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करा है और कहा है कि आज मेरी बेटी की आत्मा को शांति मिल जाएगी। तो इस बड़ी खबर के साथ मैं लेता हूं आपसे अलविदा। फिर किसी और इन्फॉर्मेटिव न्यूज के साथ होगी आपके साथ मुलाकात। आप बने रहिए द इंडियन इन्फॉर्मेटिव स्टूडियो के साथ। जय हिंद।